सो फ्रेंड्स, तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये तरबूज का जो छिलका है, इससे का जो ये रेड वाला पोर्शन, इसे कम्प्लीटली हमें निकाल देना है, इसको नहीं रखना है। और इसके पीछे जो ये ग्रीन वाला छिलका है, इसे भी मैं पूरी तरह से निकाल दूंगी। हमें सिर्फ ये बीच का व्हाइट वाला रखना है। इस तरह से हम ये सारा रेड भी निकाल देंगे और नीचे का जो हरा पोर्शन है उसे भी पूरा निकाल देंगे। और उसके बाद जो बीच वाली हमारे पास जो फांक निकलेगी, उसके हम इस तरह से बारीक बारीक जो है, इस तरह से चौकोर आकार में जो है, जो हमारी टूटी फूटी का जो शेप आता है, उस शेप में हम इसके टुकड़े कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि इसका जो रेड पोर्शन है मुझे पूरी तरह से निकाल देना है, नीचे वाला ग्रीन छिलका भी निकाल देना है, और उसके बाद जो बचता है उसके मुझे इस तरह से बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद जो है मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि इसके ऊपर तक पानी रहे। हमें इसे उबाली लगानी है ताकि ये जो थोड़ा इसका जो ये जो है वो थोड़े से नरम हो जाए और टूटी फ्रूटी, वैसे तो ये नरम ही रहता है, हम इसे 2-3 उबाली लेने तक इसे उबालेंगे। ये मैंने इसे गैस पे उबाली लेने के लिए रख दिया है। जब तक इसमें 2-3 उबाल नहीं आ जाती, ये थोड़ा सा नरम नहीं हो जाता, तब तक हम इसे उबालेंगे। हम इसे बीच बीच में जो है वो इस तरह से चलाते रहेंगे और जब तक इसके उबाली नहीं आती, थोड़ा सी चीज जाता, तब तक हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से उबाली आने लग जाएगी। उबाली आने के बाद भी आपको 2 से 3 मिनट तक, तब तक सिजाना है, तब तक इनमें बहुत थोड़ी सी कसर ना रह जाए। मतलब कि ये जो है वो इस तरह से हाथ से इजीली ब्रेक होने चाहिए। मतलब ज्यादा भी हमें इन्हें बिल्कुल घाट नहीं करना है, मतलब ये हाथ से इजीली हमारे ब्रेक होने लग जाए। अभी मैं आपको बताती हूँ 2 मिनट बाद, करीबन 2 मिनट बाद इस तरह से आप चेक कर सकते हैं चक्कू की मदद से कि जो आपका ये है वो इजीली, देखिए इस तरह से चक्कू में जा रहा है और बहुत ही इजीली ब्रेक हो रहा है, राइट। ये देखिए इस तरह से इजीली है चक्कू में, तो इस वक्त पे आपका बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पे इसका सारा ये पानी छान लेंगे और इसे बिल्कुल झरने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा जो चलने की मदद से है छान लिया है और इसे पूरा अलग कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में शक्कर का पानी तैयार करेंगे। अब हम एक तरफ जो है वो शक्कर का पानी तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें चाशनी तैयार नहीं करनी है, हमें शक्कर का सिर्फ पानी तैयार करना है, वरना चाशनी जो है वो ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी और टूटी फ्रूटी के ऊपर जम जाएगी। हमें सिर्फ नॉर्मल शक्कर का पानी बनाना है, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी लिया है और उसमें थोड़ी शक्कर डाली है, बस इसका हमें एक मीठा घोल बनाना है पानी का। इस तरह से हम चला करके शक्कर को पूरी अच्छी तरह से गला लेंगे और बस हम इसका मीठा पानी तैयार कर लेंगे। पूरी शक्कर गल जाने के बाद हम इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि हाँ, ये पानी जो है वो अच्छा मीठा हो चुका है। अगर ये पानी आपका अच्छा मीठा हो चुका है, तो उसके बाद जो टूटी फूटी हमने चलनी में रखी हुई है वो हम इसमें डालेंगे और करीबन उसे जो है वो 4 मिनट तक इसमें उबलने देंगे तेज आंच पर, ताकि जो शक्कर है वो टूटी फूटी पिए और उसमें मिठास आ जाए। ये देखिए, शक्कर के पानी में उबाल आने लग गया है। अब जो ये टूटी फूटी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छे से इस तरह से लाऊंगी और 3-4 मिनट तक इसे शक्कर के पानी में उबलने दूंगी, ताकि अच्छे से मीठी हो जाए। करीबन 4-5 मिनट तक हमने इसे इस तरह से उबाल दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा शक्कर का पानी जो है वो भी बहुत कम हो चुका है। और अगर आपको देखना है कि परफेक्टली मीठी हो चुकी है, तो आप इसमें से इस तरह से एक निकाल करके ठंडा करके टेस्ट करके देख लीजिएगा, और थोड़ा मीठा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जितने कलर की टूटी फ्रूटी आपको बनानी है, उतनी कलर के बाउल्स में आप इन्हें थोड़े थोड़े रस के साथ जो है वो सेपरेट कर देंगे। अभी मेरे पास 2 कलर हैं, तो मैं 2 कलर की टूटी फूटी बनाऊंगी, इसलिए मैंने 2 बाउल्स में इन्हें निकाल लिया है थोड़े थोड़े रस के साथ। मेरे पास 1 कलर है ऑरेंज रेड कलर है। अगर आपके पास सूखे कलर है तो आप वो भी यूज ले सकते हैं, और गीले कलर है तो वो भी आप इसमें यूज ले सकते हैं, जो हमारे फूड कलर्स आते हैं। और ये जो है भी मेरे पास लेमन येल्लो कलर है, तो मैं दोनों बाउल में एक एक कलर डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने दोनों में कलर डाल दिया। अब मैं इन्हें अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी लेमन येलो कलर की टूटी फूटी और रेड कलर की टूटी फूटी जो एकदम रेडी है। अब आप इन्हें जो है वो धूप में हम लोग एक थाली में पूरा इसे फैला करके सुखा देंगे, एकदम कड़क धूप में हम इन्हें सुखा देंगे,
ताकि जब तक ये पूरी अच्छे से सूख जाती है फिर हम इन्हें कलेक्ट कर लेंगे और ये हमारी टूटी फ्रूटी रेडी है। मैं आपको इन्हें सुखा करके शाम तक एक उसका भी वीडियो बना करके दिखा दूंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।